ये देखिए, ये मेरे गमले में गुलाब खिला हुआ है, एक सुंदर सा गुलाब, कई सारी कलियां भी हैं और भी ऐसे बहुत सारे पौधे यहाँ लगा रखे हैं मैंने, जो घर में किचन में जो सब्जियां आती हैं, साग आता है, उससे बनाई हुई खाद से मैंने इन गमलों को लगाया हुआ है। इसमें देखिए टमाटर है, इसमें फूल भी आना शुरू हो गया है, इस तरह एलोवेरा आ गया, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे ही एक हमारी इस गुलाब के फूल में अभी थोड़ी देर पहले ये एक मधुमक्खी जो है, कई सारी मधुमक्खियाँ आई हुई थी और ये वहाँ पर रस चूस रही थी और अचानक वो यहाँ पर गिरी है। ये देखिए ये तड़प रही है, ये अचानक पता नहीं इसको क्या हुआ, ये तड़पने लगी। यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, पहले मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन फिर अचानक लगा ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों ये फूल चूसते हुए अचानक गिरी और इस तरह से जो है तड़प तड़प करके ये दम इसका टूट रहा है लग रहा है। अब इस फूल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई कीटनाशक डाला हुआ है, घर की किचन में जो सब्जियां और साग आते हैं उसकी बनी हुई खाद से, यदि आप नीचे देख सकते हैं ये उसकी बनी हुई खाद से ये पौधे मैंने लगाए हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो इसके फूल में इसका रस चूसने के लिए आई हुई है मधुमक्खी, अचानक यहाँ पर जो है देखिए गमले की ये पर फूल है और यहाँ से ये नीचे गिरती है और ये तड़प रही है। ये उड़ नहीं पा रही, इसके दोनों पंख अभी सही सलामत हैं, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं है, इसको कोई ऐसा भी नहीं है, कोई जो है इसको कीड़ा जो है इसमें इसके शरीर में चिपका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक ये जो है फूल चूसते चूसते जो है यहाँ पर गिर गई, तो इसकी वजह जहाँ तक मुझे समझ में आती है और शहरों में भी होता रहा है, ये मोबाइल टावर है। ऐसे बहुत सारे मोबाइल टावर जम्मू के इस रेशम घर कॉलोनी में लगे हुए हैं, कुछ तो मंदिरों की छतों के ऊपर भी लगाए गए हैं, जहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में लोग जो है श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। ये खंडी होना चाहती है। पापा कर। नहीं बेटा, ये जो है मधुमक्खी जो है ना, ये बीमार हो गई बेटा, देखो ये बीमार हो गई, यहाँ पर अभी फूल चूस रही थी, फूल पर आई थी, बैठी थी, इसके परागकण को ये ले रही थी, यहाँ इसका रस चूसती है ना, फिर जाकर के शहद बनाती है मीठा मीठा, अब ये यहाँ पर आकर के गिर गई, गिर करके ये बीमार हो गई है, इसकी तबीयत हो गई है ख़राब। अब मैं बच्चों को क्या बताऊँ इसके पीछे की वजह, दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं बच्चे और उसका जो है, और मोबाइल पे आजकल जानते ही हैं डाटा फ्री में जियो ने दे दिया है, दिन भर वीडियो गेम खेलते रहें, तो ये इन कंपनियों का पूरा ये जाल है, पता नहीं इसकी वजह से है या ये बहुत सारे, ये देखिए हर छत पे जो है ये लगा हुआ है टीवी के लिए, इधर डिश टीवी का है, इधर वीडियो कान का है, ये पूरे शहर में इस तरह से। जाल जो है ऐसे टावर जो है लोगों ने अपने घरों पर लगाए हुए हैं, उनको कुछ रुपए मिल जाते हैं, लेकिन उनका खामियाजा जो है ये लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है और ये जीवों को जो हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन ये नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये सब वजहें हैं जो मौसम के
बड़े संकट को जन्म दे रही है। शहर में जगह जगह लगे हुए मोबाइल कंपनियों को फोन किस तरह से मधुमक्खियों को मार रहे हैं, इसका उदाहरण अभी देखने को मिला। एक मधुमक्खी जो मेरे गमले पे गुलाब का फूल में शहद चूसने के लिए आई हुई थी, वो जो है अचानक गिर करके तड़पने लगी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने नेट पे जाकर के पढ़ा तो फिर इसकी वजह कहीं न कहीं ये मोबाइल के टावर नज़र आए।